प्यारा सा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा इसका नाम है। सबसे पहले ये हमारा जो चैप्टर है ये द्वादश चैप्टर। बच्चों आइए, हमारा कक्षा 7 का एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का आज हम पढ़ेंगे द्वादश चैप्टर, 12वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्या धनम। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, सभी लोग बोलते हैं विद्या धन बहुत ही सर्वप्रधान है। आखिर क्यों है ये सर्वप्रधान? आज हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं, तो बहुत ही मन लगा के ध्यान से सुनिएगा और इसको श्लोक को गाइएगा, ठीक है, तो ऐसे याद भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं विद्या धनम का पहला श्लोक। ना चोर चोर्यम ना राजहार्यम ना भातृभाज्यम न च भारिकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात ना चोर चोर्यम, ना चोर चोर्यम अर्थात ना चोरों के द्वारा इसे चुराया जा सकता है। ठीक है, आपका जो विद्या का रूपी धन है, जो आप पढ़ाई करेंगे, इसको ना तो चोर इसे चोरों के द्वारा ना इसे चुराया जा सकता है, ना राजहार्यम ना ही राजा के द्वारा, राजाओं के द्वारा इसे छीना जा सकता है। अर्थात कोई भी देश का राजा आपका धन को नहीं छीन सकता, विद्या रूपी धन को कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ना भातृभाज्यम अर्थात ना कोई भाई के द्वारा इसका बंटवारा किया जा सकता है, कि ये नहीं कि भैया तुम तो बहुत पढ़ लिए हो, अब तुम तो मुझे दे दो ये सारा धन, कि ऐसा हो सकता है क्या? वो नहीं, नहीं कर सकता। ना चे भारकारी अर्थात और ये नहीं है, अर्थात ये जब आप इसको पढ़ लेते हो ना, जैसे कि अगर आपने आज ज्यादा पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि आपका तो वजन बढ़ जाएगा, नहीं, इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। चाहे तुम कितना भी पढ़ लेना, आपका वजन उतना ही रहेगा। ठीक है, ये बोझ भी नहीं बढ़ाता है आपका। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते वर्धत अर्थात व्यय मतलब होता है खर्च करना, इसे जितना ज्यादा तुम खर्च करोगे, कृते वर्धत और मतलब उतना ही बढ़ेगा। तुम कोई चीज अगर तुमको आती है और अगर तुम किसी को सिखाने लग जाओगे तो आपको और पक्की हो जाएगी। ठीक है, ये धन ऐसा है, विद्या रूपी धन, इसे जितना ज्यादा इसे खर्च करोगे उतना ही आप इसको ये बढ़ता जाएगा। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, इसे रोज खर्च करो और रोज अपने धन को बढ़ाओ। ये बहुत ही प्यारा धन है, इसीलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसीलिए ये सारे धन में सबसे श्रेष्ठ धन है, सर्व धन धनों में प्रधान धन है ये। ठीक है, सर्वेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धन है ये, कौन सा? विद्या धन। तो बच्चों इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना चोर चोरियम ना तो इसे चुरा सकता है, ना राजा इसको राजा दंड दे सकता है कि भैया तुम इतने क्यों पढ़े हो, है ना, तुम क्यों पढ़े हो इतना, नहीं। ना भात्र भाज्यम ना कोई भाई इसका बंटवारा कर सकता है, ना चे भारकारी ना इससे वजन बढ़ता है, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम और इसको खर्च करने से उतना ही ये ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसीलिए विद्या धन को सबसे सर्वोत्तम धन माना गया है। आइए करते हैं नेक्स्ट दूसरा श्लोक बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा है, श्लोक नंबर दो। विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यस करी विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जनो विदेश गमने विदा परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीन पशु हो। अर्थात इसमें बताया गया बच्चों, विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम अर्थात विद्या नामक जो वस्तु है, विद्या नामक जो वस्तु है यह मनुष्य का अतिरिक्त रूप है। ठीक है, अतिरिक्त सौंदर्य है ये, विद्या नामक वस्तु मनुष्य का एक अतिरिक्त सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, यह छुपा हुआ, प्रच्छन्नम मतलब छुपा हुआ, गुप्तम मतलब छुपा हुआ, प्रच्छन्न मतलब प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, छुपा हुआ सुरक्षित ये धन है। अर्थात ये धन आपको कितना आपने पढ़ लिया आपके दिमाग में दिखता नहीं है, आप अंदर कमरे में से पढ़ के बाहर आओगे तो हम आपको कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, वो तो जब आप बोलोगे सुनाओगे जब आपको सबको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, ये बहुत छिपा हुआ सुरक्षित धन है, इसको कोई ले भी नहीं सकता है आपके, हमने ऊपर पढ़ा था ना, इसको कोई छीन भी नहीं सकता कि भाई तूने इतना पढ़ लिया थोड़ा सा तो दे दे, नहीं। अब विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। ठीक है, यश करी और विद्या भोगों को देने वाली है, विद्या यश को देने वाली है, विद्या सुख को देने वाली है, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है,
विद्या वंदु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, अर्थात जो विद्या गुरुओं की भी जो गुरु है विदेश जाने पर, विद्या वंदु जने विदेश गमने, अर्थात विद्या जो है एक भाई की तरह होती है विदेश गमने। विदेश गमने मतलब जब कोई मतलब विदेश की यात्रा पर, विदेश यात्रा पर विद्या भाई के समान होती है। और विद्या परा देवता, विद्या परा मतलब होती है सबसे बड़ी, विद्या सबसे बड़ी देवी है, देवता मतलब देवी, विद्या सबसे बड़ी देवी है। विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम, विद्या को राजा है ना, जो विद्या जो क्या होता है, विद्या राजाओं में विद्या की पूजा होती है ना कि धन की पूजा होती है। विद्या राजस्व पूजते, राजस्व पूजते विद्या को, विद्याओं में सॉरी राजाओं में विद्या पूजी जाती है ना कि धन पूजा, धन की पूजा होती है। ठीक है, तो राजाओं में विद्या की पूजा होती है धन की नहीं। विद्या विहीन पशु, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या से रहित है वो पशु के समान है। तो इसीलिए हमें पशु नहीं बनना है, हमें विद्वान बनना है, हमें अपनी पढ़ाई बहुत मन लगा के करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है हमारा। ये चौथी हमारा अगला श्लोक है बच्चों, केयूराना विभूष्यन्ति पुरुषाम हारा ने चंद्रो जला, अर्थात केयूरा, केयूरा माने होता है बच्चों गहना होता है, ये मम्मी लोग पहनती है, इसको बाजूबंद कहा जाता है। ना मतलब नहीं, विभूष्यन्ति मतलब होता है कि जो सजाना, सजते। ठीक है, अर्थात मनुष्य को ना तो बाजूबंद है ना, मतलब इसमें ये बताया है कि इसमें किसकी सार्थकता है। केयूराना विभूष्यन्ति, मनुष्य को ना तो बाजूबंद, पुरुष हारा न चंद्रोज्वला, ना ही चांद से उजले हुए हार। पुरुष हम हारा न चंद्रोज्वला, पुरुष को ना ही चांद से उजले हुए हार। ना स्नानम ना ही स्नान, ना विलेपम ना लेप, ना कुसमम ना कुसम, अलंकृता मूर्ध्वजा, और ना ही संवारे गए बाल, अर्थात बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बाल भी नहीं सजाते हैं, अर्थात ना तो बाजूबंद सजाते हैं, ना ही फूलों से सॉरी चंद्रमा के समान उज्जवल हार उनको सजाता है पुरुष को, और ना ही स्नान से बंदा सुंदर बनता है, ना ही लेप से, ना ही फूलों से, और ना ही अच्छी अच्छी संवारे गए बाल भी उसको नहीं सजाते। वाण्य का सम अलंकरोती पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है या संस्कृता धार्यते, वही अकेली मनुष्य को सजाती है, अर्थात जो जिसके पास संस्कार युक्त वाणी है वही उसकी उसका असली गहना है, वही उसको सजाती है। अर्थात ये सारी चीजों से मनुष्य की सुंदरता नहीं होती है। अब आप देखो, अगर कोई बहुत सुंदर सुंदर हार पहन के, बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बना के, बाजूबंद पहन के, स्नान ध्यान करके, अगर वो कोई गंदा संदा बोल रहा है, कुछ भी गलत गलत बोल रहा है, किसी को भी गालियां दे रहा है, क्या उसको कोई अच्छा लगेगा? किसी को कोई उसको पसंद करेगा? नहीं करेगा, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया बच्चों कि जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। छी अंते अकेल भूषणानी सततम बाघ भूषणम, सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं वाणी का, अर्थात वाणी है ना, वाणी के सामने, संस्कार युक्त वाणी के सामने सम छी अंते मतलब अखिल फीके पड़ जाते हैं, अखिल भूषाणी सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं। सततम बाघ भूषणम, अर्थात बाघ भूषणम भूषणम, सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, वाणी रूपी गहना ही सच्चा गहना माना जाता है। ठीक है, बाघ भूषणम भूषणम, अर्थात वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा गहना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ना लास्ट विद्या नाम नरस्य कृति कीर्ति कुल कीर्ति तुला भाग छय च आश्रह। अब धेनु काम दुदी रतिश्च व्रेह नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम तस्माद अन्ये पिक्षे सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। अर्थात
विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला, अर्थात विद्या नामक जो पदार्थ है, विद्या नामक पदार्थ मनुष्य का अतुलनीय यश है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति, कीर्ति कीर्तिर तुला, अर्थात जो विद्या नामक पदार्थ, विद्या नामक पदार्थ क्या है, मनुष्य का अतुलनीय यश है। अब कैसे, भाग छय च आश्रय, भाग के भाग्य, छह मतलब कमजोर होने पर, चा मतलब और, मतलब भाग्य के कमजोर होने पर ये क्या होता है, ये सहारा बन जाता है। धेनु काम दिदुई रतिश्चय, काम धेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। रतिश्चय व्रहे, अर्थात व्योग के साथ ये क्या है, ये रतिश अर्थात ये व्योग में क्या है, ये प्रेम है। नेत्रम तृत्यम चसा, अर्थात यह तीसरा नेत्र है। सत्कार यतनम कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणम, रत्ने ही वर्ण बिना भूषणम, अर्थात सत्कार यतनम सम्मान का घर, कुलस्य महिमा कुल की महिमा, और रत्ने बिना भूषणम अर्थात बिना रत्नों का ये आभूषण है, रत्ने बिना अर्थात बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद अन्य पिछे सर्व विषय ये, अर्थात इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए सभी सर्व विषय ये सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम करो, अपने सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। बच्चों इस चैप्टर में ही बताया है, सारी चीजों को छोड़कर अपना विद्या पर अधिकार करिए, विद्या को पढ़िए, विद्या को जानिए, विद्वान बनिए, मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, आइए करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बच्चे आप सभी को पता है ये हमारे हैं क्या, शब्दार्थ। चोर हार्य मतलब चोरों के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्य मतलब राजा के द्वारा छीनने योग्य। तो बच्चों आप इनको कर लेना, इनको कॉपी में लिख लेना एक बार, और कॉपी में लिख कर इनको अपना याद करेंगे। अगर याद नहीं करोगे तो आप चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं अगला। इन सबको याद कर लेना, ये सब चैप्टर से संबंधित है। बच्चों ये आगे बॉक्स दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न करती है। उपयुक्त कथना नाम समक्षम नाम आम, अनुपयुक्त ना समक्षम नाम ना, अर्थात जो सही है उस पर आम अर्थात यस, और जो गलत है उसमें करेंगे हम नो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा विद्या राजसु पूजते, बिल्कुल सही बात है, विद्या की राजा भी पूजा करते हैं ना कि धन की पूजा करते हैं, सही। नंबर दो है बाघ भूषणम ना भूषणम, अर्थात नहीं ये गलत है। ठीक है, तो आभूषण ही सच्चा गहना है ना, गलत। ठीक, तो इसमें ना लगाया हुआ है इसीलिए गलत है। बच्चों विद्या धनम सर्वेशु धनम प्रधानम, बिल्कुल सही है ये बात, विद्या धनम सब धनों से ऊपर है। विदेश गमने विद्या बंधु जना ना भवती, बिल्कुल गलत भाई, ये तो बंधु जन होता है ना, जब हम विदेश जाते हैं तो बंधु होता है, ये भाई के समान कार्य करता है। सर्व व्याय विद्या अधिकारम करो, सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करें क्या, बिल्कुल करिए, सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो में बच्चों क्या करना है हमको, ये आपको दिख रहा है अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग वचन विभक्ति वचन आकर करना है हमको। अब इसमें हमको पद लिखने हैं, लिंग लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। इसमें देखिए पद दिया है पदानी लिंग विभक्ति वचन। ठीक है, तो सबसे पहले है नरस्य, नरस्य ये एक पद दिया है हमको। अब इस पद का हमको लिंग लिखना है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सा है और वचन कौन सा है। तो जो नरस्य है ये लिंग है हमारा पुरलिंगम, विभक्ति हमारी षष्ठी, और जो वचन है इसमें एक वचन। आगे गुरुनाम, गुरुनाम दिया हुआ है बच्चों ये, एक सेकेंड, यस गुरुनाम, गुरुनाम ये। अब गुरुनाम में कौन सी भी, पहले गुरुनाम में पहले हमको देखनी है विभक्ति। ठीक है, तो विभक्ति सॉरी पहले लिंग देखना है यहाँ पर, गुरुनाम पुरलिंगम है, विभक्ति कौन सी है बच्चों, ये षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। ठीक, आगे अब हमारा केयूरा, केयूरा होता है बाजूबंद, ये पुरलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, पुरलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और ये हमारा बहुवचन। केयूरा, इसमें विसर्ग लगा हुआ है पीछे। कीर्तिम,
कृत्रिम है ये बच्चों, ये सबसे पहले देखेंगे स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, नपुंसक लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। भूषणानी, भूषणानी के नाम से आपको पता चल रहा है नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग, और इसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति हैं और बहुवचन है, ठीक है। तो आइए करते हैं तीसरा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इनको हमको क्या करना है, श्लोकान योजित, हमको श्लोकों को मैच करना है। ये आप कॉपी के बुक में से देखकर भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो विद्या राजसु पूज्यते, पूज्यते नाही धनम, तो सबसे पहले में क्या आएगा बच्चों, जी हाँ ये है इस श्लोक का विद्या विहीनहा। दूसरा है केयूराना विभूष्यंती हारा न चंद्रोज्वला, ना चोर चोर्यम ना भात, ना चोर चोर्यम ना राजदंडम, सॉरी ना चोर चोर्यम ना च राजहार्यम। तो आगे इसमें क्या है बच्चों, इसमें आएगा ना भात्र भाज्यम, ये ठीक है। अगला है हमारा चौथा सत्कार यत्नम रत्नई बिना, सत्कार रत्नम यत्नई बिना, ठीक। वाणी का लास्ट में हमारा वाणी का सल सम अलंकरोति पुरुषम, अर्थात लास्ट वाला रह गया हमारा या संस्कृत संस्कृताधार्यते, ठीक है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तरम, एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है हमको बच्चों। ये कहा पशु, कौन पशु है बच्चों, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 4। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि, एक पद में उत्तर देना है आपको। कहा पशु अर्थात कौन पशु है, विद्याविहीन पशु, जिसके बाद विद्या नहीं है, जो विद्या से रहित है, तो कहा के स्थान पर लिख देंगे विद्याविहीनहा, ठीक। खा का भोग करी, क्या भोग करी है, तो का के स्थान पर लिख देना विद्या, विद्या भोग करी, विद्या यस करी अपि। गा के पुरुषम ना विभूष्यंती, तो इसमें आएगा केयूरा अर्थात बाजूबंद, बाजूबंद। घा का एकम एका पुरुषम सम अलंकरोति, अर्थात ये इसका अर्थ क्या, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वाणी। बच्चों ये आपको ना उसमें क्या करते हैं उसको श्लोक में भी आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। कानी छियंते भूषणानी छियंते, ठीक। आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो कुरु, तो हमको इसका प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात बच्चों इसमें क्या होता है, ये उत्तर दिया होता है, ये वाला ये उत्तर है और हमको इसका प्रश्न बनाना रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करना होता है, जो अंडरलाइन होता है ना उसी को चेंज करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो विद्याविहीनहा नरः पशु अस्ति, इसका अर्थ देख लीजिए पहले, विद्याविहीन नर, नर मतलब आदमी, पशु मतलब पशु, अस्ति मतलब है, विद्या से रहित मनुष्य पशु है। अब इसका प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, विद्या से रहित पशु कौन है, तो क्या है यहाँ कहा आ जाएगा, कहा, तो नर इसका हो गया आंसर, तो यहाँ आएगा कहा। विद्या राजसु पूजते, तो यहाँ आ जाएगा का राजसु पूजते, ठीक। आगे गा चंद्रोज्वला हारा पुरुषम ना अलंकुर्वते, अर्थात हारा के स्थान पर आ जाएगा के, चंद्रोज्वला पुरुषम ना अलंकुर्वते, ठीक। तो है हमारा गा पिता हिते नियुक्तम, अर्थात इसमें आ जाएगा पिता के स्थान पर आ जाएगा कहा, कहा हिते, ठीक है। तो आगे है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अब विद्या धन सबसे सर्व धनों में प्रधान है, तो अब विद्याधन कैसा है, तो यहाँ सर्वधन की जगह आ जाएगा हमारा कीदृशम, ठीक है, कीदृशम। आगे चा विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिक्षु की जगह आ जाएगा यहाँ पर कुत्र, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न का निर्माण, प्रश्न निर्माण, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये प्रश्न नंबर 6 पूर्ण वाक्य प्रश्न नाम उत्तरम,
उत्तराणी लिखत। तो पूर्ण वाक्य में हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। और पहला प्रश्न है, आपको प्रश्न अच्छे से याद भी हो गए होंगे बच्चों, तो गुरु नाम गुरु का आसीत, गुरुओं में गुरु क्या है? तो गुरुओं में गुरु बच्चों का के स्थान पर लिख देना विद्या, गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति। ठीक है, दूसरा, कीदृशी वाणी, कीदृशी वाणी पुरुषम पुरुषम सम अलंकरोति, कौन सी वाणी? संस्कृता वाणी है ना, कीदृशी संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। व्यय कृते किम वर्धते? व्यय कृते विद्याधनम वर्धते, विद्याधन वर्धता है जितना ज्यादा हम इसे खर्च करते हैं। भाग छये आश्रय कहा? भाग छये आश्रय कहा के स्थान पर लिख देंगे विद्या। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः पुरलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग चित्वा लिखत। हमको इसमें मंजूषा में से स्त्रीलिंग, ये जो शब्द दिए हैं ये इन सब में से जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग में रखना है, जो पुरलिंग है वो पुरलिंग में रखना है, और जो नपुंसकलिंग है उनको नपुंसकलिंग वाले बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो अब हमारा जो पुरलिंग वाले हैं, पुरलिंग में कौन कौन से बच्चों? इसमें दिया हुआ है पुरलिंग में सबसे पहले है मूर्धजा, ये है क्या है, ये पुरलिंग वाले में आ जाएगा मूर्धजा। जी हाँ, पशु, पशु भी पुरलिंग वाले में आएगा, और गुरु ये भी पुरलिंग वाले में आ जाएगा। ठीक है, अब आती है स्त्रीलिंग की बारी, स्त्रीलिंग जी विद्या, ये क्या है, विद्या भी स्त्रीलिंग है। जी हाँ, संस्कृता भी क्या है, स्त्रीलिंग है, और रति भी क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब नपुंसकलिंग, धनम क्या है, धनम भी नपुंसकलिंग है, सततम भी नपुंसकलिंग है, और कुसुमम जिसे कहते हैं फूल, ये भी क्या है, नपुंसकलिंग है। ठीक है बच्चों, ये आप कर लेंगे, ये आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। ठीक, ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, और आई थिंक मुझे आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन श्लोकों को याद जरूर कर लेंगे, याद करेंगे, प्रश्नों का अनुवाद करें, प्रश्नों के उत्तर करेंगे, अपना पूरा होमवर्क करेंगे। ठीक है, और विभक्ति वचन लकार जो भी है आप चैनल पर जाकर बहुत ट्रिक के द्वारा आप इसको समझ लेना, गाने के माध्यम से बस आप गाना याद करोगे और आपको सब याद हो जाएगा, विभक्तियां और लकार भी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।